अस्सलाम वालेकुम जहीर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? आपके R2 का स्टॉक दोबारा उतर गया माशाल्लाह से। माशाल्लाह से यार वापस उतर गया R2 का स्टॉक, बिल्कुल कंडीशन साफ है। अच्छा। मैं वैसे अपने व्यूअर्स को बता दूं, मैं 10/10 कंडीशन नहीं बोलता, मैं 10/9 कंडीशन बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि यूज स्टॉक होता है, हल्के फुल्के निशान होते हैं, फिर कस्टमर वीडियो देख के आ रहा होता है, फिर यहाँ बोलता है कि आपने 10/10 बोला था, निकलता 10/9.5 या 9। तो मैं कस्टमर को यही बोलूंगा कि मैं 10/9 कंडीशन पे साफ काम करता हूँ। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टॉक नहीं होता, ब्रांड न्यू निकल आता है लेकिन हर पीस ब्रांड न्यू नहीं होता। मैं आपको इसकी कंडीशन भी साथ में दिखा देता हूँ। जी दिखाइएगा ज़रा। जैसे कि ये रेड कलर है, ये आप चेक कर सकते हैं इसकी कंडीशन। ऑलमोस्ट ये चार्जिंग जैक पे ये आता है, ये हल्के पुल के यूजिंग निशान तो होते हैं, चार्जिंग जैक पे ये आता है। ये कस्टमर बोलता है ये कंडीशन लो है, ये कंडीशन लो नहीं होती, ये यूज स्टॉक होता है क्योंकि चार्ज कनेक्ट होता है मशीन पे, टेस्टिंग होती है, तो इस वजह से ये निशान आते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आते। ठीक है, बाजूका ये बॉक्स पैक तो है नहीं ना कि बिल्कुल निशान ना हो। कस्टमर बोले मुझे बॉक्स पैक चाहिए तो वो डब्बा पैक ले ले, वो डब्बा पैक बहुत महंगा है। ये आप कंडीशन देख सकते हैं जी, बिल्कुल याद देखें, नो शेड, नो स्पॉट, नो लाइन, बिल्कुल फ्रेश पीस। आप चेक करें कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन भी आती है, देखें आप, बिल्कुल फ्रेश होती है, बिल्कुल फ्रेश भी आती है। ये लिमिटेड स्टॉक आता है ये कलर ना, एंटीक कलर है ना, ये एक ही कलर है। और व्यूअर्स को मैं बताता चलूं, ये वीडियो बन रही है, एक महीने बाद ना बोले कि ये मुझे ये कलर चाहिए, आपकी वीडियो में देखा था, ये लिमिटेड कलर आता है। ये जिस तरह ब्लड ग्रुप में ओ नेगेटिव होता है जी, ऐसा ही। क्या चेक कर रहा? अच्छा, चले, व्यूवर्स कह रहे थे कि R2 के मुकम्मल पबजी गेम के साथ रिव्यू बनाए, तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू के। पबजी के हवाले से पहले मैं आपको इसकी स्पेक्स और डिटेल बता दूं जी। ये आप देख सकते हैं सीपीयू जेड पे स्नैपड्रैगन है 845 और 2.80 गीगाहर्ट्ज़ है, और एंड्रीनो इसका है 630। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो जीरो बनाया था उसमें भी तकरीबन सेम था। अच्छा, और ये लोग बोलते हैं ये 120 हर्ट्ज़ है, ये 120 हर्ट्ज़ नहीं है R2, ये 100 हर्ट्ज़ डिस्प्ले पे है। अच्छा, ये 100 हर्ट्ज़ डिस्प्ले पे है, मैक्सिमम ऑलमोस्ट कह लो तो 90, क्योंकि R1 जो है ना वो 120 हर्ट्ज़ है, उसके अंदर शो होता है। अच्छा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आप देखें, ये जैसे कि सेटिंग के अंदर ये सेल्फ चेक है, इसके अंदर ऑप्शन आता है, पूरा मोबाइल का पूरा डिस्प्ले आ जाता है। ये आप देखें, ये सेल्फ चेक है, ओ सेल्फ चेक नहीं, सॉरी, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो ऑप्शन आता है एक्वाज यूजफुल, अब एक्वाज यूजफुल के अंदर हाई स्पीड डिस्प्ले, इसके अंदर देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ IGZO लिखा हुआ है। ये 90 हर्ट्ज़ मैक्सिमम 100 हर्ट्ज तक है, ये 120 हर्ट्ज नहीं है। R1 के अंदर मैं आपको डेमो दूंगा, उसके अंदर 120 हर्ट्ज लिखा हुआ भी है, तो मतलब वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, ये 120 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं है। और इसका ये देखें आप, इसकी जो है 64GB मेमोरी है मोबाइल की, और 4GB रैम है, और मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा लगता है, और 3.5mm की जैक भी लगती है इसके अंदर, टाइप सी पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है। अच्छा, और अब मैं आपको बता दूं इसका पबजी का, जैसे कि लोग बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं 90 FPS चलता है कि नहीं चलता, तो इस बारे में भी मैं कस्टमर को और व्यूवर्स को क्लियर कर दूं कि 90 FPS चलता है कि नहीं चलता। और ज़बरदस्ती जो 90 FPS चलाते हैं लोग, और कस्टमर बोलते हैं कि 90 FPS चला के दिखाओ चलता है, उस पर बैटरी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उसमें यह है कि बैटरी लाइफ कम हो जाती है, जो लाइफ इसकी होती है जहाँ साल डेढ़ साल चलने का होता है मोबाइल, वहाँ 6 महीने भी नहीं चल पाता मोबाइल, क्योंकि वो ज़बरदस्ती कस्टमाइज़ किया जाता है। अब आप इसकी चेक कर सकते हैं, अब आप इसको देखें,
सेटिंग में आने के बाद इसकी ग्राफिक्स चेक करें, स्मूथ पे एक्सट्रीम है, बैलेंस पे अल्ट्रा है, एचडी पे अल्ट्रा है, एचडीआर पे अल्ट्रा है, और अल्ट्रा एचडी अभी इस डिवाइस के लिए नहीं बना। तो 90 fps कैसे पॉसिबल है आप मुझे ये बताएं। 90 fps को कस्टमाइज किया गया है, यानी कि रूट करके, मोबाइल को रूट करके वो नहीं मोबाइल को रूट करके नहीं, वो एक एप्लीकेशन है जो कि इसकी गेम की एक ऐप है, उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन कस्टमाइज की जा रही है। तो ये इधर साइड में 90 fps आ रहा है, इधर साइड में आ रहा है, लेकिन वो ऑफिशियली 90 fps नहीं, वो कस्टमाइज कंप्यूटर से करा जा रहा है, और इसमें नुकसान है डिवाइस को, यानी कि मोबाइल को नुकसान होता है। जी मेरे पास ये स्टॉक है, ये आप देखें, ये देखें कंडीशन, ये देखें आप, बिल्कुल 0-0 कंडीशन, बिल्कुल हाँ आप देख सकते हैं, हल्के फुल्के, हाँ 10x9 हल्के फुल्के तो वो होंगे, 10x9 में इसको काउंट करूंगा। अच्छा, मैं ज्यादा इसको 10x10 मार्क्स नहीं दूंगा, 10x9 पे काउंट करूंगा इसको, ये आप देख सकते हैं कंडीशन। अच्छा जोहर भाई, अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दीजिएगा साथ साथ। एक मिनट, व्हाट्सएप नंबर बताने से पहले मैं इसका प्राइस आपको कह दूं। जी जी ठीक है, प्राइस की तो बात मैं आपसे भूल गया इसकी, ये आपको पड़ेगा तकरीबन फ्रेश कंडीशन जो है ना 15,000 से लेके 16,000 तक की पड़ेगी आपको, और जो इसमें हल्के पुल्के स्क्रैच डेंटेड पीस है ये आपको पड़ेगा तकरीबन 14,500 रुपये का नॉन पीटीज, और कंडीशन लो होगी नॉन पीटी, 10x10 कंडीशन जो कस्टमर बोलते हैं बिल्कुल फ्रेश पीस चाहिए, तो वो आपको पड़ेगा 15,500 से 16,000 रुपये। अच्छा। कस्टमर यहाँ आके बोले नहीं कि भाई आपने वीडियो में कुछ बोला था, कुछ आप यहाँ पे दे रहे हो, बराए मेहरबानी करके मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि कमेंट्स थोड़े देख के करें, कि आप जब बंदा टॉकिंग कर रहा होता है तो उसमें सारी चीज़ें बता रहा होता है, जी आप उसको काइंडली वीडियो को एंड तक देखें, शुरू से लेके वॉच करो और एंड तक उसको एंड देखो, एंड में बात हो या अच्छी बात हो, पॉजिटिव भी बात करो और नेगेटिव भी बात करो, कमेंट्स करो कोई इशू नहीं है कमेंट्स में, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को रख के करें, पूरी वीडियो देख के शुक्रिया। और मेरा नंबर मैं आपको बताता हूँ, 0345-2914-221 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कॉल भी आप इस पर कर सकते हैं, और ये मेरा पेज है आप देख सकते हैं, और ये मेरा कार्ड है ZD ऑनलाइन स्टोर, मेरा चैनल है, और शॉप नंबर है मेरा F104 फर्स्ट फ्लोर अम्मा टावर सदर कराची। ठीक है, एक मिनट रुको, और एक और मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास इंशाल्लाह अल्लाह देखते हैं आपको आज भी आने वाला है, ये एक सैंपल मंगवाया मैंने अपने लिए, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा समझो कि R2 जैसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट शेप है, आप चेक कर सकते हैं, और ये फ्रंट पर भी आप देख सकते हैं, ये नॉट देखें आप, इंशाल्लाह R3 भी आने वाला है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं मैं आपको, ये है, ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 4GB 6GB 128GB, और ये 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है R3, और ये वायरलेस QR क्विक फास्ट चार्जिंग है। चलो इंशाल्लाह, ये तो जब स्टॉक है इसका भी एक रिव्यू वीडियो के साथ, और इंशाल्लाह इसका रेट भी मैं आपको दूंगा जब ये माल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉक आ जाएगा मेरे पास, इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़ भाई।